नमस्कार, संस्कृति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सृष्टि पांडे। पूरे विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। उसी सभ्यता और संस्कृति के रंगों से आपको रूबरू कराता है हमारा ये कार्यक्रम संस्कृति दर्शन। मंगलवार को भीलवाड़ा में सेन सोसाइटी के तत्वाधान में भगवान का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। अहिंसा के प्रवर्तक और धवल वाहिनी सेना के प्रणेता आचार्य महाश्रमण मंगलवार को अपनी धवल सेना के साथ बाड़मेर के सिवाना कस्बे पहुंचे, जहां शांति दूत महातपस्वी का सवानजी मलाणी ने प्रवेश द्वार का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष गोपाराम और जिला कलेक्टर ने आचार्य श्री की अगवानी की। आचार्य महाश्रमण ने अपने प्रवचन में कहा कि पाकिस्तान की सीमा से सटे होने पर भी जिले में इतनी शांति है। यहां उन्होंने सभी को अहिंसा का संदेश दिया। प्रदेश में आज पानी की किल्लत एक ऐसी समस्या है जिससे हर तबका परेशान है, लेकिन बीते समय में दूरदृष्टि रखने वाले विद्वानों ने पहले ही इस समस्या को भांप लिया था। इसका एक नमूना है नागौर के चुटीसरा में साई का टाका, जो आज लोगों के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। ये नजारा है नागौर के चुटीसरा गांव में स्थित साई बाबा के टांके का, जिसे रेतीले धुरों में होने वाले जल संकट को भांप कर जल संग्रहण के लिए बनवाया गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सिंध इलाके के निवासी साई जी महाराज 1938 में चुटीसरा गांव के ठाकुर के आग्रह पर आए थे। उन्होंने स्वेच्छा से शरीर त्याग करने से पहले अपने जीवन के आखिरी 10 साल यहीं बिताए। इस दौरान उन्होंने जल संग्रहण के लिए यहां टाके स्थापित करवाए, जिससे बरसात के पानी को पीने योग्य रखा जा सके। उन्होंने ये साईजी ये टाके का निर्माण करवाया था। ये करीब 20 फुट गहरा है और
18 फुट गोलाकार है। का उद्देश्य यही था कि गांव वालों को एक प्याऊ के लिए पानी मिल जाए। इन टांकों के निर्माण में अपनाई गई तकनीक के कारण बरसात के दौरान एक टांका भरने के बाद पानी अपने आप ही दूसरे टांके में पहुंच जाता है, जिसे देखकर यहां आने वाले लोग भी काफी प्रभावित होते हैं। वाटर सिस्टम जो यहां देखा हमने साईं धाम में, बहुत ही बढ़िया और इतना अच्छा सिस्टम मैकेनाइज्ड, जिसमें कि मशीनरी और लाइट का बहुत ही कम प्रयोग हुआ है, परंतु पूरा मैकेनाइज्ड है। जल संरक्षण के इस नायाब मॉडल को केंद्र सरकार के एरिगेशन विभाग ने भी सराहा है। वहीं जिला प्रशासन ने आम जन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए इस मॉडल को कलेक्ट्रेट और नगर पालिका में भी लागू किया गया है। साईं जी का टाका जो चुट्टीसरा में है, उसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक बने हुए हैं, वो देखे हैं, वाकई बहुत अच्छा हमारे लिए एक मॉडल रोल है। आज के समय में जबकि पेयजल की इतनी समस्या है और जो जमीन का पानी है वो इतना लवणीय और तरह तरह के मिनरल्स होने की वजह से लाभदायक के बजाय हानिकारक ज़्यादा है, ऐसे में अगर हम अपने टांके बना करके और पानी को इकट्ठा करें तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, पानी जो पेयजल की कमी है उसको भी पूरा करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में जल का स्तर काफी नीचे जा रहा है, जिसके कारण पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। लेकिन आज अगर आम आदमी भी साईं के इस मॉडल के आधार पर जल संरक्षण करे तो पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। HBC न्यूज के लिए नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। संस्कृति दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।